हाँ जी दोस्तों, तो Xiaomi की तरफ से यहाँ पर मैं Xiaomi का 12 Pro Max फ़ोन जो है लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। आज जो है हम लोग इसी फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, बताऊंगा आप लोग कैसा है ये फ़ोन, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आप लोगों को इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है और क्या आप लोगों को इसको परचेज़ करना चाहिए या फिर आप लोगों को इसको परचेज़ नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ ये फ़ोन आप लोग को इंडिया में कब तक देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा वो Redmi Note 12 Pro Max का बॉक्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बॉक्स की लाइड को ओपन करते हैं यहाँ पर आप लोग के सामने जो फ़ोन निकल के आ जाता है। फटाफट से हम लोग बात करेंगे फोन के ओवरव्यू के बारे में। तो पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को प्लास्टिक मटेरियल देखने के लिए मिल जाता है, उसके साथ साथ क्वाड कैमरा का सेटअप आप लोगों को पीछे की साइड में इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। फटाफट से बात कर ले इस फोन के डिस्प्ले की, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 6.67 इंचेस का जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, उसके साथ 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है। इसका मतलब कि काफी स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पर में आप लोगों का रहने वाला है। जब आप लोग जो गेमिंग करेंगे इस फोन की मदद से, उसके साथ साथ आप लोग जो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की टास्क करेंगे। अब फटाफट से बात कर ले इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो आप लोग इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो उसके साथ साथ 6GB की रैम आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। इसका मतलब कि यहाँ पर काफी अच्छी रैम आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। और खासकर दोस्तों, जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 778, ये दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आप लोग जो गेमिंग भी करना चाहते हैं या फिर आप लोग जो नॉर्मल आप लोग की डे टू डे लाइफ की टास्क भी करेंगे, तब आप लोगों को यहाँ पर लैग बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। फटाफट से बात कर ले इस फोन के कैमरा सेटअप की, जो कि इस फोन का जो हाइलाइटिंग फीचर है, तो इस फोन के अंदर आप लोगों को पीछे की साइड में जो चार कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जा रहे हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को और एक कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। के बाद में आप लोगों को एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिल रहा है और एक 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को इस फोन के अंदर डेप्थ कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर बात कर लूं वीडियो शूटिंग की बैक कैमरे से, तो आप लोग जो फुल एचडी एट 30 FPS में जो बैक कैमरे से जो शूट कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर ले फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आप लोगों को एक जो सिंगल 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग जो फुल एचडी एट 30 FPS में जो शूट कर पाएंगे। वहीं अगर बात करें नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, जी हाँ दोस्तों, एक जो 5G फोन होने वाला है, उसके साथ साथ 4G 3G 2G सारे बैंड्स आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर बात कर लूँ सेंसर की, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे सेंसर इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि प्रॉक्सिमेटली हो गया, जायरोस्कोप का सेंसर हो गया। सेंसर की बात हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को जो फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, वो आप लोगों को साइड माउंटेड वाला देखने के लिए मिलेगा। मतलब दोस्तों, जो पावर वाले बटन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, वो वाला सेंसर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मल्टीमीडिया की बात करूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इस फोन के अंदर जो है क्लाउड स्पीकर देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर 3.5mm वाला जो ऑडियो जैक है, वो आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिसकी मदद से आप लोग जो नॉर्मली ईयरफोन वगैरह लगा के जो गाने सुन पाएंगे, तो वहां पर आप लोगों को इस फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। बैटरी की बात कर ले इस फोन के अंदर, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आप लोगों को 5200mAh की जो बैटरी देखने के लिए मिल जाती है और 67W की फास्ट चार्जिंग को ये फोन जो सपोर्ट करेगा जब ये जो इंडिया के अंदर होगा। अगर बात कर ले इस फोन की स्टोरेज की, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है आप लोगों की डे टू डे लाइफ की टास्क आराम से हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप लोग गेमिंग भी करेंगे, तब काफी अच्छा प्रोसेसर है, यहाँ पर आप लोगों को लैग बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों बस ये सारी कहानी थी Redmi Note 12 Pro Max की। अब बात कर ले फटाफट से कि ये फोन आप लोगों को इंडिया में कब तक देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो रहा है। 15 नवंबर से लेके 19 नवंबर के बीच में देखने के लिए मिलेगा। इस फोन की दोस्तों जो प्राइस रहेगी, वो रहेगी दोस्तों 18,000 से 20,000 रुपए के बीच। बात कर ले अगर दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की, तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा कैमरा चाहिए, उसके साथ अगर आप लोगों को अच्छी गेमिंग चाहिए या फिर अगर आप लोगों को नॉर्मल डे टू डे लाइफ की टास्क भी करनी है, आप लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे जो है लैग बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिले, तब आप लोग जो इस फोन को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी Redmi Note 12 Pro Max की। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस फोन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो, तो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के उम्मीद नहीं दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।